वजह से परीक्षा नहीं दे पाने वाले यूजी पीजी कोर्स के छात्रों को दोबारा मौका मिला है। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने ओपन बुक माध्यम से स्पेशल सप्लीमेंट्री एटीकेटी परीक्षा करवाना तय किया है। लगभग 2 दर्जन से ज्यादा कोर्स में 8,000 से ज्यादा छात्र शामिल होंगे, जिन्हें 17 दिसंबर तक परीक्षा के लिए आवेदन करना है। विश्वविद्यालय ने कॉलेजों को निर्देश देते हुए विद्यार्थियों से संपर्क करने पर जोर दिया है। सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों में शामिल बीए, बीकॉम, बीएससी, बीएचएससी, बीएसडब्ल्यू, बी मास कम्युनिकेशन फाइनल ईयर और 1.5 दर्जन से ज्यादा पीजी कोर्सेज के अंतिम सेमेस्टर परीक्षा ओपन बुक पद्धति से हुई थी, जिसमें कोरोना संक्रमित और क्वारंटाइन रहने से करीब 5,000 विद्यार्थी सितंबर में परीक्षा से दूर रहे। विद्यार्थियों के बढ़ते दबाव में उच्च शिक्षा विभाग ने स्पेशल परीक्षा को मंजूरी दी है। साथ ही विभाग ने परीक्षा में सप्लीमेंट्री एटीकेटी के छात्रों को शामिल करने के भी निर्देश दिए हैं। शनिवार को विश्वविद्यालय ने परीक्षा के आवेदन बुलाने को लेकर आदेश जारी किया है। 17 दिसंबर तक बगैर विलंब शुल्क आवेदन स्वीकार किए जाएंगे, जबकि निर्धारित तारीख के बाद आवेदन भेजने पर विद्यार्थियों को लेट फीस जमा करनी होगी। डिप्टी रजिस्ट्रार प्रज्वल खरे अनुसार दिसंबर 21 या 22 को परीक्षा तिथि जारी कर दी जाएगी। शासन के आदेश अनुसार सारे अंतिम वर्ष यानी फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के लिए ओपन बुक पद्धति से एग्जाम कराई गई थी, लेकिन पेंडेमिक सिचुएशन के कारण उसमें से कुछ छात्र अगर वंचित रह गए हों तो उन्हें शासन के ऐसे निर्देश थे कि पुनः मौका दिया जाना है। इसी निर्देश के पालन में ऐसे वंचित रह गए छात्रों को दूसरा मौका देने के लिए ये परीक्षा पुनः आयोजित की जा रही है। इसके एग्जाम फॉर्म भरने की डेट आ गई है और संभवतः 21 या 22 तारीख से ये परीक्षा की डेट आ जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ राइट्स।